नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों एक बार फिर से कहीं ना कहीं एक छोटे एक नए इन्वेस्टर को फंसाया गया है एक कंपनी के द्वारा, और इस कंपनी का नाम है ब्राइटकॉम ग्रुप। देखिए छोटे प्राइस के स्टॉक में मैक्सिमम लोग कोशिश करते हैं कि यही हमारा स्टेक हो, यही हमारी पोजिशन हो, वही पोजिशन बनाते हैं। उन्हें ये नहीं पता चलता कि अगर कोई 1000 का शेयर है तो वो 10 रुपए बढ़ेगा और 100 का है तो वो 1 ही रुपए बढ़ेगा। उन्हें लगता है कि 100 रुपए का शेयर है तो मेरे पास ज्यादा शेयर्स आ जाएंगे, मेरा पैसा ज्यादा बन सकता है, ये तेजी से ग्रो कर सकता है। एंड ये थोड़ी बहुत सच्चाई है भी, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स ज्यादा मूव देते हैं। बट फैक्ट ये है कि जितनी ज्यादा छोटी कंपनी में जाओगे उतना ज्यादा आपका पैसा रिस्की होता जाएगा। इनफैक्ट मैक्सिमम लोग तो जो नए आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो हो गए जिन्हें 2-3 साल, जो मार्केट से बहुत कुछ सीख गए हैं, उन्हें पता है कि यार इनमें पैसा बनता नहीं, पैसा सिर्फ जाता है। एंड यहाँ पे ना बहुत सारे लोग कहते हैं मार्केट गैम्बलिंग है, जुआ है, वो इन स्टॉक्स की वजह से। यहाँ पे लोगों का, इन्वेस्टर्स का, छोटे निवेशकों का पैसा छीना जाता है, आपको बेवकूफ बना के पैसा बनाया जाता है। बहुत सारे लोग बैठे हैं उनका पैसा खाने के लिए और खा लेते हैं लिटरली, क्योंकि उन्हें तो पता है मार्केट में कैसे पैसा बनाना है कैसे नहीं बनाना। एक नाम दिया है इसको, वो नाम है पंप एंड डंप। इस नाम में ही आपको समझ में आ रहा है, पंप मींस उसे ऊपर लेके गए और डंप मींस फिर खुद ही बेच दिया। ये मैंने वीडियो एक बार और बनाई थी, साधना ब्रॉडकास्ट और एक और स्टॉक था जहां पे अरशद वारसी का नाम भी सामने आया था पंप एंड डंप केस में। अरशद वारसी प्लस 48 अदर लोग भी थे, तो उन्होंने भी क्या करा, फंसाया लोगों को, छोटे शेयर को 6 रुपए का शेयर लेके चले गए ऊपर 70-60 तक, और फिर दोबारा वो 6 रुपए में पड़ा, 1 साल में उन्होंने पैसा बना लिया। तो मेरे पास सवाल था, भाई ये कर कैसे लें, लोअर सर्किट पे वो बेच कैसे सकते हैं और अपर सर्किट पे वो खरीद कैसे सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था देखा जाए तो। पंप एंड डंप मींस आप बेच, आपने माल खरीदा, आपने पैसा बनाया, आप बेचना शुरू कर रहे हो, और जब आप बेच रहे हो तो लोअर सर्किट रख रहे हैं तो आप बेच ही नहीं पाओगे फिर, तो वो बेचते कैसे हैं, या फिर जब अपर सर्किट लगे तो खरीदते कैसे हैं। तो मैं आपको बताऊं, जब स्टॉक साइडवेज होता है ना तो उस बीच में माल उठाया जाता है थोड़ा 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 करके, तब मतलब एक साथ नहीं करते, इन्हें भी पता है मार्केट के सारे सिस्टम्स की, भाई एक साथ करेंगे तो वो अपर सर्किट ले जाएगा, तो वो क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा माल उठा उठा के रखते रहते हैं, वो कंसोलिडेट करता है, ठीक है। उसके बाद जब माल उनके पास हो जाता है, मतलब ठीक है मेरे पास काफी हो चुका है, तो मैं करता हूं बड़ी बाइंग, जिससे वो सर्किट लगाना शुरू करे, फिर वो सर्किट टू सर्किट जाता है और लोग भी खरीदने आ जाते हैं, ऊपर जाने लगता है, फिर वो मान के चलो 70-60 रुपए तक जाना उस स्टॉक ने, तो वो 40 रुपए पे बेचना शुरू करते हैं। अभी सर्किट लग रहा है, सब खरीदने वाले हैं, वो अपना थोड़ा माल बेचेंगे, फिर थोड़ा बेचेंगे, लेकिन अभी तक सर्किट लगी रहा है उस स्टॉक में, वो 40 वाला 50 हो गया लेकिन वो 40 से बेचना शुरू कर चुके हैं, तो वो तेजी में बेचते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब उनके पास थोड़ा बहुत माल रह जाता है तो वो सारा का सारा बेच देते हैं और फिर वो सर्किट लगना शुरू हो जाता है लोअर। अब क्या हुआ, वो 40 रुपए से जिन लोगों को रोज अपर सर्किट पे खरीदने की बिड लगा रहे थे मिल चुका है उन्हें, अब 40 वाला 50 तो हो गया लेकिन वो बेच नहीं पा रहे, अब वो 50 से कहां पहुंच गया। तो इस तरीके से पंप एंड डंप को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बना करा जाता है, और इसका नाम सामने आया ब्राइटकॉम ग्रुप में। दोस्तों मैंने कल भी इस स्टॉक को लेकर एक लेट नाइट वीडियो बनाई थी, जहां पे मैंने मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में बात करी थी, और ये भी कहा था कि इस स्टॉक के फंडामेंटल्स को लेकर एक बार कमेंट आया था कि भाई इसको पूरा डिटेल में बताएं। तो मैंने डिटेल एनालिसिस करा था तो मुझे एक चीज नेगेटिव नहीं दिखी थी इस स्टॉक में, एक चीज। जब कुछ नेगेटिव दिखी नहीं रहेगा तो रिटेल इन्वेस्टर कैसे ना जाए इस स्टॉक में, लेकिन जब प्रमोटर्स ही ऑपरेट कर रहे हैं तो फिर तो फंसना ही फंसना है। यहाँ पे मैं नहीं कह रहा हूँ प्रमोटर ने ऑपरेट करा है, सेबी की तरफ से एक रिपोर्ट आई है कल के सेशन में, जहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि फंसाए गए यहाँ पे और अब उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा। लेट्स सी क्या आता है क्या नहीं आता है, बट ये बहुत ही ज्यादा गलत होता है, मतलब आप नए लोगों को फंसा देते हो फिर उनका भरोसा टूट जाता है शेयर बाजार से। बट मैं आपसे अभी भी यही कहूंगा कि कभी भी आप इस तरीके के स्टॉक्स में निवेश ना करें, 2 रुपए का है, 5 रुपए का है, 10 रुपए का है, 20 रुपए का है, मत करो। कंपनी का मार्केट कैप अगर है 20,000 करोड़ का, 20 रुपए का शेयर है, खरीद लो, कोई इशू नहीं है। देखिए जितना ज्यादा छोटे स्टॉक में जाओगे उतना ज्यादा उन्हें मैनिपुलेट करना आसान हो जाएगा। अब ब्राइटकॉम ग्रुप में कितनी बुरी तरीके से पब्लिक ट्रैप हुई है, इसका अंदाजा आप इस तरीके से लगाइए। 2 साल पहले 13 अप्रैल 2021 को इस स्टॉक का भाव 6 रुपए था, 6 रुपए से ये स्टॉक आपके लिए 2021 में ही अप्रैल से दिसंबर तक में 6 रुपए वाला शेयर 200 रुपए का हो गया। कितने लोग इस स्टॉक में पैसा बना के निकले होंगे और कितने लोग खरीद लिया होगा, ठीक है। और जो निकले होंगे ना उन्होंने भी 5 पे खरीद, 10 पे खरीद के 20 पे बेचा तो और 50 हो गया ना, तो यार ये तो बढ़ता है, दोबारा एंट्री लेंगे, फिर दोबारा बेचेंगे, फिर दोबारा, फिर एंट्री ये करा होगा, लेकिन एक समय पे उन्होंने 200 रुपए पे भी खरीदा होगा।
लेकिन उसके बाद उनका भाव कभी नहीं आया और लॉस में रिटेल इन्वेस्टर बेचता नहीं है। और उसके बाद आज स्टॉक 15 रुपए पे आ गया, 200 रुपए से 15 रुपए की जर्नी, और ये काफी ज्यादा नेगेटिव। इनफैक्ट वन साइड गिरावट थी 200 रुपए से अराउंड अराउंड आपके लिए 52 रुपीज तक, उसके बाद एक बाउंस बैक आया 108 तक, लोगों ने सोचा आप तो दोबारा जा रहा है, तो यहाँ फिर ट्रैप हुए होंगे बहुत सारे, और 108 से तो कोई बड़ी रिकवरी भी नहीं आई है, और आज 15 रुपए पे आ गया स्टॉक। कितना ज्यादा अमाउंट लोगों का इसमें फंसा होगा आप खुद सोचिए, 3000 करोड़ का मार्केट कैप है 15 रुपए पे, मैं इसको अगर 30000 करोड़ का मार्केट कैप होगा इसका 150 रुपए पे, तो 30000 में से आप अगर 3000 माइनस करें 27000 करोड़, 27000 करोड़ रुपीज का तो डायरेक्ट लॉस मुझे जो अभी दिख रहा है वो इन्वेस्टर्स को हुआ, डायरेक्ट लॉस हुआ जो, तो ये एक बहुत ज्यादा गलत केस है। इस तरीके के स्टॉक से आप सावधान रहें, बट कैसे पता करें ये बहुत कठिन सवाल है, इसलिए बस आप फंडामेंटल्स देखिए स्टॉक के, इसके भी देखो तो अच्छे दिखेंगे, बट ये स्टॉक छोटा था तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आप छोटे स्टॉक से बिल्कुल ही दूर रहें वो बेटर है। और फ्रेश जब आप मार्केट में आ रहे हो तो आप मैक्सिमम कोशिश करिए निफ्टी के स्टॉक्स में या फिर लार्ज कैप कंपनीज में, आते ही आप ये छोटे छोटे शेयर्स में जाते हो ना वो आपका माइंडसेट ही खराब कर देता है लाइफ टाइम के लिए, और फिर आपको बड़ा नुकसान देता है एंड मार्केट आप छोड़ देते हो। तो आप जब आपकी एंट्री हो रही है मार्केट में 2-3 साल तक आप बड़े स्टॉक्स में रहो ताकि आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक ओपिनियन होगा, एक राय होगी। होप आपको वीडियो समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।